आईपीआर लॉ लेक्चर्स के इन वीडियोस के माध्यम से हम आईपीआर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। इसी सीरीज में अपने पिछले वीडियो में हमने ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के बेसिक इंट्रोडक्शन को समझा था। आज के इस वीडियो में हम ट्रेडमार्क के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं और इन केस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क क्या क्या नुकसान है। तो इस वीडियो में हम एलिमेंट्स ऑफ ट्रेडमार्क, बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क एंड इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, इन तीन टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, बोर्ड हाल ही में पेंट हुआ है तो मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगा नहीं। अगर आपको कंप्लीट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो में हम इन तीन टॉपिक्स को समझेंगे। चलिए, सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ ट्रेडमार्क। द वेरी फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ट्रेडमार्क इज, ट्रेडमार्क इज अ मार्क। ट्रेडमार्क क्या है? एक मार्क, राइट। एवरी ट्रेडमार्क इज अ मार्क विच इंक्लूड्स अ डिवाइस या ब्रांड या हेडिंग्स, लेबल्स, नेम, सिग्नेचर, वर्ड, लेटर, न्यूमरल्स, शेप। तो ट्रेडमार्क क्या है? अपने आप में एक ऐसा मार्क है जो यूनिक है, जो डिस्टिंक्ट है, जो आपके प्रोडक्ट को आपके कॉम्पिटिटर से डिफ्रेंशिएट करा सकता है, जो सोर्स ऑफ ओरिजिन बताता है कि ये जो पर्टिकुलर गुड्स है वो किस प्रोड्यूसर का है। तो ट्रेडमार्क क्या है? एक मार्क है। दूसरा, ट्रेडमार्क गुड्स और सर्विसेज दोनों के रिस्पेक्ट में यूज किया जाता है, राइट। ट्रेडमार्क डिस्टिंग्विशेस गुड्स फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सर्विसेज। और चौथा क्या है? एसेंशियली यूज्ड इन रिलेशन टू अ ट्रेड। तो ट्रेडमार्क बेसिकली ट्रेड के ही रिलेशन में यूज किया जाता है, और ये जो ट्रेड है वो गुड्स में हो सकता है या सर्विसेज में हो सकता है। तो व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ट्रेडमार्क? देखो, ट्रेडमार्क इज अ मार्क, इट इज यूज्ड फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, इट डिस्टिंग्विशेस गुड्स फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सर्विसेज, और लास्ट वन इज एसेंशियली यूज्ड इन रिलेशन टू ट्रेड। ठीक है, नाउ व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन या बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क? देखो, सबसे पहला, एक्शन फॉर इन्फ्रिंजमेंट एंड डैमेजेस। इन केस अगर कोई थर्ड पार्टी ट्रेडमार्क होल्डर के राइट्स को किसी तरह से वॉयलेट करता है, इन्फ्रिंज करता है, तो अगर बिजनेसमैन ने या सर्विस प्रोवाइडर ने अपने मार्क को रजिस्टर्ड करा लिया है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत, तो इन केस ऑफ वॉयलेशन ऑफ सच राइट्स उसके पास राइट होता है कि वो इन्फ्रिंजमेंट का सूट फाइल कर सकता है और डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो पहला ये। दूसरा, एक्सक्लूसिव यूजर। वंस अ बिजनेसमैन और सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्स ट्रेडमार्क अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 1999, तो उस पर्टिकुलर मार्क को यूज करने का जो एक्सक्लूसिव राइट होता है वो उसके पास आ जाता है। ही इज हैविंग मोनोपोली राइट रिगार्डिंग यूज ऑफ दैट मार्क इन हिज सर्विस और इन हिज गुड्स, राइट। तीसरा क्या है? प्राइमा फेसी एविडेंस।
रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क ये अपने आप में प्राइमा फेसी एविडेंस है कि ये जो ट्रेडमार्क है वो आपका है। इस पे जो ओनरशिप है, इस पे जो एक्सक्लूसिव राइट्स हैं वो आपके हैं, जो एकाधिकार है वो आपका है। तो पहला, एक्शन फॉर इन्फ्रिंजमेंट एंड डैमेजेस। दूसरा, एक्सक्लूसिव यूजर। तीसरा, प्राइमा फेसी एविडेंस। और लास्ट वन क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 32 प्रोटेक्ट्स रजिस्ट्रेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस इन सर्टेन केसेस, दैट इज रजिस्टर्ड टुवर्ड्स ट्रेडमार्क एक्वायर्ड अ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर इन रिलेशन टू द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर विच इट इज रजिस्टर्ड। तो बेसिकली ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन बिजनेसमैन को या सर्विस प्रोवाइडर को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपका जो मार्क है वो यूनिक है, वो डिस्टिंक्ट है और वो एक पर्टिकुलर चीज़ के रेफरेंस में है, राइट। दस वी कैन से दैट रजिस्ट्रेशन इज एसेंशियल फॉर इंस्टीट्यूटिंग एक्शन अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट एंड फॉर एक्सक्लूसिव यूज ऑफ इट। तो रजिस्ट्रेशन अपने आप में क्या है, प्राइमा फेसी एविडेंस है कि ये जो मार्क है वो आपका है। तो ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि कोई सेकेंड पर्सन आपके राइट्स को किसी भी मैनर में एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता या आपके मार्क को अपने प्रोडक्ट अपने सर्विस पर अफिक्स कर किसी प्रकार से अनड्यू एडवांटेज नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो मार्क है उस पे जो मोनोपोली राइट है वो केवल आपका है, ठीक है। तो ये है क्या बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। एक्शन फॉर इन्फ्रिंजमेंट एंड क्लेम डैमेजेस। दूसरा, एक्सक्लूसिव यूजर। तीसरा, प्राइमा फेसी एविडेंस। चौथा, प्रोटेक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। देखो, अगर आपने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड नहीं कराया है तो ये प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं है। अगर कोई पर्सन उस मार्क को अफिक्स करता है अपने प्रोडक्ट के ऊपर अपने सर्विस के ऊपर और किसी प्रकार से फायदा उठाता है तो आप कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते हो और ना ही आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, राइट। तो ये क्या है, एक नुकसान है नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क का। रिगार्डिंग इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एन अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट एनी प्रोसीडिंग्स देयर ऑफ। दस इन रिलेशन to an unregistered trademark, no such proceedings can be instituted. Pehla, to prevent infringement and to recover damages. So, in case of non-registration of trademark, you cannot initiate proceedings for infringement as well as you cannot claim damages. ठीक है? तो ये था essential elements of trademark, benefits of registration of trademark and effect of non-registration. अब अपने next video में हम passing off, और अगर आपको आपके trademark को registered कराना है तो किस procedure को follow करना है, what are the procedures which are to be followed by you in order to get your mark registered under Trademark Act 1999. So basically hum criteria for registration of trademark aur passing off in dono topics ko samjhenge kyunki exam mein aksar ye topics short questions mein puche jate hain. Iske baad hum copyright se deal karenge, ठीक है। चलिए, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा
अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस पर्टिकुलर टॉपिक का PDF नोट्स टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।